नोटियाल, धन्यदिन आइसक्रीम फैक्ट्री में आज आपको कैंडी आइसक्रीम बनाने जा रहा हूँ। हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें लगभग 20 लीटर पानी है और जिसमें मैं लगभग 6.5 से 7 किलो चीनी इसमें डाल के रखता हूँ और जिसको मैं काफ़ी देर से घोलने पर लगा हुआ हूँ। जब ये अच्छे से घुल जाएगा फिर मैं इसको छन्नी से छान के ताकि कचरा भी एकदम फिल्टर हो जाए। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज कैंडी आइसक्रीम बताने जा रहा हूँ और जिसमें मैं आज सबसे पहले स्ट्रॉबेरी कैंडी आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगा शुरू से लास्ट तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 20 किलो पानी है और लगभग जिस 20 किलो पानी में हमने 6.5 से 7 किलो चीनी डाल दिया है, ठीक है। इस बाउल से ऑलमोस्ट 1.25 बाउल सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ये खट्टा करने के लिए होता है, थोड़ा फ्लेवर में खट्टा बना जाता है। तो ये हमने ये थोड़ा और है ये हमने इसमें डाल दिया। और तीसरा है हमारा कलर, 1 टेबलस्पून जो हमारा इसमें आ जाएगा। थोड़ा जो ला के देख लेंगे, ये देखिए थोड़ा सा भी लग रहा है कम है तो थोड़ा और डाल लेंगे। थोड़ा जितना कलर दिख रहा है उससे ज़्यादा ही रखेंगे हम, ताकि क्योंकि आइसक्रीम जब बनेगी तो थोड़ा कलर फेड हो ही जाता है। तो 20 किलो में लगभग हमारा 1 चम्मच कलर डलता है, बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से घोल लीजिए। तो अब इसमें हम एक और मिलाएंगे थोड़ा सा फ्लेवर। ये हमारे पास एक फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी का, ये देख सकते हैं आप। इसमें भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लगभग 20 लीटर हमारे पास पानी है, तो लगभग हम मान के चलते हैं 2-3 ढक्कन डाल देंगे। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो अच्छे से मिला लें पहले। लगभग ये मिल चुका है, फिर से थोड़ा सा और चेक कर लें पहले। मीठा थोड़ा ज़्यादा है, मीठा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा पानी इसमें और डाल सकते हैं। एक बार फिर से देख लें, कलर ठीक है हमारा, अच्छा खिल जाएगा आइसक्रीम बनने के बाद। थोड़ा एक बार पहले मीठा चेक कर लें जिससे हम आइसक्रीम बनाएंगे, एक तरह से पूरा रेडी है। आपने अगर फिर भी एक आइडिया लेना हो तो इसमें डाल के आप चेक कर सकते हैं कि ये वाइट बैकग्राउंड में ये कलर कैसे खिल के आया हुआ है। इसमें हमने सबसे पहले पानी डाला, पानी के बाद चीनी डाला, चीनी के बाद हमने इसमें कलर डाला, कलर के बाद इसमें सिट्रिक एसिड डाला, इसके बाद हमने फिर फ्लेवर डाला। तो अब पूरा इसका मिक्सर एक हमारे पास रेडी है, अब जिसको हम इन मोल्ड में, या हमारे पास 4 मोल्ड हैं फिलहाल अभी, क्योंकि हमारे पास 4 मोल्ड की एक मशीन है और इनमें डाल लेंगे। और उससे पहले क्या करेंगे कि मशीन को ऑन कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक 4 मोल्ड की कैंडी मशीन है, तो ये हमारे सबसे पहले इसका कंप्रेसर ऑन कर लेंगे। इसका टेम्परेचर हमारे पास लगभग -20 के आसपास ही होना चाहिए इसका टेम्परेचर। और प्लस एक ये हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया है, -20 में गया हुआ है, सेंटीग्रेड को आप देख रहे हैं।
और इसके बाद एक हमारे पास एक मोटर होती है जो इसको पानी को रोटेट करता है, उसे भी ऑन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक पानी है और ये कैंडी मशीन हमारे पास है। इसमें अब हम अपने मोल्ड, इसमें हमारे पास चार मोल्ड आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन मोल्ड को भर लेंगे। पूरा डाल सकते हैं आप, यहाँ पर अपना भर जाएगा। कैंडी हमारी लगभग 50 ml की बनती है। तो ये हमने इसमें ये हमारा एक तरह से पूरा फिल हो चुका है। इसी तरह से हम चारों को भी फिल कर लेंगे। हमने पानी भर के देख लिया है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट काम ये है कि हमारे पास ऑटोमेटिक स्टिक होल्डर है, इनमें हम ये स्टिक इनमें दे दें और वन बाय वन सबको सेट कर लेंगे। और सभी स्टिक होल्डर में अपने स्टिक फंसा दिए हैं। अब इसके बाद हम इनको अपने मोल्ड के ऊपर रख देंगे, तो ये हमारे लिए निकालने के लिए आसानी रहेगा। इसको हम इस पे से आराम से इसको भी इस पे इसको आराम से इस तरह से रख देंगे। ठीक है, अब हमारा काम है इन मोल्ड को उठा के अपने इस तरह से आराम से इसको छोड़ देते हैं। बिना स्टिक होल्डर के हम करेंगे काम। और ये लगभग जो हमने रखा है हमारे 10 से 15 मिनट में ये चारों हमारे सेट हो जाएंगे, आइसक्रीम अपने आप रेडी हो जाएगी। और उसके बाद हम इसको बाहर निकाल के फिर हार्ड फ्रीजर में डाल देंगे और थोड़ा देर इसको जैसे ही सेट होने लग जाएगा तब इसमें मैनुअली स्टिक ऐसे लगा कर भी आपको दिखा देंगे। अब इसमें मैनुअली हम स्टिक वन बाय वन इस तरह से आराम से लगा सकते हैं। एक तरीका आपने पहले दिखा और दूसरा तरीका मैनुअली लगाने का ये है। और इसको यहाँ पर लगभग 3 मिनट हो गए हैं और 5-7 मिनट और वेट कर लेते हैं। 5-7 मिनट में सब रेडी होगा, इसके बाद हम इन सबको बाहर निकाल देंगे। दस से 12 मिनट अब हो चुके हैं, अब हम इनको बाहर निकालते हैं एक एक करके। तो पहला मोल्ड हम बाहर निकालेंगे और इसको सबसे पहले इधर पानी में थोड़ा देर इसको निकाल के आइसक्रीम तैयार है। अभी हमारी 50 आइसक्रीम लगभग तैयार है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको आराम से दबा के। और ये हमने छोड़ दिया है।
अब इसको भी बाहर निकालते हैं। ये हमारा ठंडा पानी है एक टब में भरा हुआ। आइसक्रीम एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से हार्ड फ्रीजर में आ चुकी है। ये बचा हमारा लास्ट मोल्ड, इसे भी बाहर निकाल। करेंगे कि ये निकलने लग जाए, जैसे ये सॉफ्ट हो जाए तो तुरंत हम इसे पानी में से हटा देंगे। इनको वन बाय वन पानी में डाल, बस इसमें यही है समय ज़्यादा लगेगा। तो देखा आपने किस तरह से हमने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाई, इसी तरह से आप सभी तरह के आइसक्रीम बनाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे फैक्ट्री में आके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ में आप कंप्यूटर ट्रेनिंग जिसमें डिजाइनिंग आइसक्रीम से लेबल टेम्पलेट सभी कुछ बना सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय धन्य धन्यवाद।